आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन के कोटे में भी कोटा दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 20 साल पुराने आदेश को पलट दिया है। हालांकि आदेश को सुनाते हुए सुप्रीम अदालत ने साफ किया है कि राज्य सरकारें इसमें मनमर्जी नहीं कर सकती। राज्य सरकारों को जातियों की हिस्सेदारी उनकी संख्या के पुख्ता डेटा के आधार पर ही तय करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच ने आज ये अहम फैसला सुनाया। बता दें कि साल 2004 में ईवी चिनैया मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया है। 2004 में दिए उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC ST जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से फैसला दिया है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में वो सब कैटेगरी बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर भी कई वर्ग बनाए जा सकेंगे। ऐसे में राज्य सरकारें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंदर आने वाले किसी एक वर्ग को ज्यादा आरक्षण का लाभ दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के अलावा अन्य 6 जजों ने यह माना कि अनुच्छेद 15-16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को उपवर्गीकृत करने से रोकता हो। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि उपवर्गीकरण का आधार राज्य के सही आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। इस मामले में राज्य अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। रिजर्वेशन पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम अदालत ने कहा है कि SC ST कोटे में जाति आधारित कोटा संभव जातियों को अलग से हिस्सा दिया जा सकता है। ज्यादा पिछड़े लोगों के लिए जाति आधारित कोटा उपवर्गीकरण का आधार राज्य के सही आंकड़ों पर आधारित हो, इस मामले में राज्य अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। SC ST के भीतर कई वर्ग हैं जो सदियों से उत्पीड़न सह रहे हैं। SC ST के सदस्य भेदभाव की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अनुच्छेद 14 जाति के उपवर्गीकरण की अनुमति देता है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस BR गवई ने अपने फैसले में कहा कि राज्यों को SC ST वर्गों से क्रीमी लेयर को भी बाहर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के क्रीमी लेयर के बच्चों की तुलना गांव में मैला धोने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति के बच्चों से करना बेईमानी होगी। अदालत ने कहा कि आरक्षण के बावजूद निचले तबके के लोगों को अपना पेशा छोड़ने में कठिनाइयां होंगी। जस्टिस BR गवई ने सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर दिए गए BR अंबेडकर के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई राज्य में रहने वाले दलित समाज के लोगों को फायदा मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इधर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वंचित और समाज में अत्यंत पिछड़े रूप से जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए बहुत ही संबल वाला होगा। अब समाज के आखिरी पायदान में रहने वालों वंचितों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।